इनका नाम दाना सिंह। ओके इन्हें किस जन्म मिलाए हो? मिला एक दिन का समय था, किसी नाम करके रहने वाले एक लड़की जिसका नाम रूपा था, उसके भाई राजू की तबीयत खराब थी। अचानक वो मार्केट जा रहे थे, नाना सिंह के आदमी और ये सब लोग मिले, उसे उठा ले गए, उसकी इज्जत लूट लिया गया। वो बेचारे लौटते फिरते हुए हमारे पास आए, रिपोर्ट लिखा, रिपोर्ट के मुताबिक हमने खेत से के अदालत बुलाए। अदालत पर डिपेंड है, जो चर्चा है तो ऐसा करे, ये रही मुकदमे की चार्जशीट। मिस्टर राणा ठाकुर, तुम पर आरोप है कि तुमने रूपा नाम की लड़की के साथ अपना मुंह काला किया है। चार प्राची रूपा नाम की लड़की अदालत में पेश की जाए। रूपा देवी कोर्ट में हाजिर हो। मिस्टर राणा ठाकुर, तुम इस लड़की को जानते हो? मिलाट, आप जानने की बात करते हो, इस लड़की को हम पहचानते तो नहीं। ओके रूपा देवी, यस मिलाट, तुम्हारे ऊपर आरोप है कि राणा ठाकुर ने तुम्हारे साथ अपना मुंह काला किया है, अपने बयान में कुछ कह चाहती हो? देखो रूपा देवी, ये गीता है, गीता पे रखे हाथ, कसम खा जो भी कहोगे सत्य होगी, सत्य सिवा। मिलाट, मैं गीता पे हाजिर के कसम खाती हूँ, जो कहोगे सत्य होगे, सत्य सिवा कुछ नहीं। मिलाट, एक दिन की बात थी, मेरा भाई बीमार था और मैं जा रही थी मार्केट अपने भाई की दवा लेने। उसी रास्ते में इस अट्टा सूरदेव से मिल गए। इन्होंने कहा हाँ मेरी गाड़ी पे बैठो, मैं तुम्हें मार्केट छोड़ दूँ। अब मार्केट के बजाय ये अपने क्वार्टर लेके चले गए। मिलाद, मेरी इज्जत जमींदार ठाकुर राणा ने नहीं, बल्कि मेरी इज्जत इस अट्टा सूरदेव से ने लूटी। देखिए अदालत है, एक जिम्मेदार पुलिस अफिसर होते हुए देखिए लड़की जो बयान कर रही है उसे करने दो। मैं कुछ नहीं कहना चाहती हूँ, लेकिन मैं यह कहना चाहती हूँ कि मिलाट मुझे इंसाफ चाहिए, मिलाट मुझे इंसाफ चाहिए। ये अदालत है जहाँ दूध का दूध पानी का पानी अलग कर दिया जाता है, तुम्हारे साथ इंसाफ ही होगा। इंस्पेक्टर सूरदेव सिंह, अभी थोड़ी देर पहले तुमने बड़ी बड़ी हाँक रहे थे, हमने ये किया वो किया वो किया, और जिम्मेदार पुलिस अफिसर होते हुए इतनी घिनौनी हरकत करते हुए शर्म नहीं आया? एक ईमानदार इज्जतदार आदमी को इतने घिनौने कर्म कर अनिशाप कोई नहीं है इनके पास, और तुमने लाके इन्हें अदालत में खड़ा कर दिया। तमाम गवाहों और बारों के सुनने के बाद अदालत इस नतीजे पर पहुंची है, मिस्टर राणा ठाकुर निर्दोष है, इसलिए अदालत इन्हें बाइज्जत बरी करती है। और इंस्पेक्टर सूरदेव सिंह, रूपा देवी घबराओ नहीं, तुम्हारे साथ इंसाफ ही होगा। इंस्पेक्टर सूरदेव सिंह, तुमने कानून के साथ ही खिलवाड़ किया है, इसलिए अदालत तुम्हें सस्पेंड करती है और अदालत हुक्म देती है अभी इसी वक्त तुम्हारी वर्दी उतरवा ली जाए।
मुजरिम करार देते हुए बामुशक्कत 7 साल की सजा सुनाती है। आप लखी ये कौन है? सूर्यदेव सिंह एक नहीं दो दो केस के जिम्मेदार है। इधर घिनौना काम करते हुए लड़के के साथ में शर्म लिया और इनकी बीबी इतने घिनौने कर्म काम सुनकर के बर्दाश्त न करके अपने प्राण को त्याग दिया। फिर भी अदालत के तरफ से इंस्पेक्टर सूर्यदेव सिंह को 2 घंटे की मोहलत देती है ताकि अपनी पत्नी का दाह संस्कार कर सके, उसके बाद कानून की हिरासत में किए जाए। रूपा देवी तुम जा सकते हो। आज की अदालत यही खत्म की जाती है। साहब बंगला जाना मांगा
लड़की याद आती है? मैं चाहती हूँ कि मैं जाकर अपनी माँ से मिलूं। नमस्ते। क्या बात है? बहुत बुरी खबर है, तुम्हारे माँ का देहांत हो गया। क्या? मेरी माँ का देहांत हो गया? अभी तो मेरी माँ ठीक थी। हाँ, मैं रक्षा बंधन में गई थी तो कितनी खुश थी मेरी माँ। इतनी जल्दी मुझे क्या हो गया? चलो जी, मैं अपनी माँ को
बाबा जी के चरणों में दे रहे हैं और ये आगे महादेव भाई साहब ये 20 बाबा जी के चरणों में दे रहे हैं। धन्यवाद।